हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल चुन्ने के किचन में। तो आज अपने किचन में आपके लिए बनाने जा रहे हैं पास्ता। तो चलिए इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पानी लिया है, अब मैं इसमें पास्ता को पहले उबाल लूँगी। आप अपने हिसाब से पानी देते हैं। अब हमारा हल्का हम इसके ऊपर से रिफाइंड ऑयल डालेंगे लगभग 1 चम्मच, ताकि हमारा पास्ता अच्छे से बॉइल हो जाए। अब देखिए मेरा पास्ता सारा पानी सोख लिया है, यह हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ प्याज, टमाटर, हरी धनिया, हरा मटर और अदरक और लहसुन, और मैंने लहसुन की पत्ती लिए हैं और जीरा, और मैंने यहाँ ऑयल लिया है। अभी हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें हमने जीरे को डाल दिया। अब हम अदरक डाले थे, उसके बाद हम मिर्चा डाले हैं। अब हम इसे भी हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। अब इसमें हम हरे पत्ते वाला लहसुन ऐड करेंगे, इसके बाद हम इसे भी 2 मिनट पका लेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे अपनी, जो हमने काट के रखी थी बारीक कटी हुई। हम अच्छे से सबको एक में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें प्याज में डाल देंगे करीब नमक, मैंने यहाँ 1.5 चम्मच नमक डाले हैं, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब हम सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें टमाटर डाल दे रहे हैं। हम इसे भी सब एक में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरा मटर, मैंने यहाँ 1 कटोरी भर के मटर लिया है। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरा यहाँ अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं यह हमारा लगभग पक चुका है। अब हमने यहाँ जो पास्ते को उबाल के रखा था, आप देख सकते हैं, उबालने के बाद मैंने इसे धुल भी लिया था ठंडे पानी से। तो हमारा देखिए पास्ता कितना अच्छे से हुआ है। अब हम इसमें मसाला डाल रहे हैं, मैंने यहाँ राजेश मसाला 1 पैक लिया है, आप अपने हिसाब से कोई भी मसाला ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। अब हम इसमें हल्का सा पानी डालेंगे, ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा लगभग पक चुका है, आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा ही पानी डाला था। अब हमारा यह मसाला पक चुका है, अब इसमें हम पास्ते को डाल देंगे जो हमने बॉयल करके रखा था। अब हम सबको एक में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हम इसे करीब 5 मिनट धीमी फ्लेम पे एकदम पका लेंगे। अब हम इसमें धनिया ऊपर से डाल देंगे। यह हमारा सर्व करने के लिए तैयार हो गया है फ्रेंड। यह खाने में बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड, यह बड़े से लेके बच्चों तक सबको ही बहुत पसंद आता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब